भोपाल के गांधी भवन में जन संसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सभा पंचायत संसद है, हमें जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना चाहिए। किसान, बेरोजगारों, दलित और गरीब से जुड़ी समस्याओं के मुद्दों को सदन में उठाएं और सरकार को भी इन बातों को सुनना चाहिए। लेकिन जब सरकार प्रजातांत्रिक मूलों की हत्या पर उतारू हो जाए, सांसदों को बोलने ना दिया जाए, संसद ऑर्डर में ना रहे, तब भी कानून बनाकर उसे पास करवा लेना तानाशाही है। इसका कंसेप्ट यह है कि सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी सभा जो है संसद होती है, और जनता के जो प्रतिनिधि हम लोग सुन करके जाते हैं, तो हम लोगों का दायित्व होता है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के आधार पर जनता की आवाज को हम लोग सदन में उठाएं। जो समस्या इस देश के दलित और गरीब के साथ जुड़ी हुई है, उन मुद्दों को सदन में हम उठाएं और इसका सरकार हमें मौका दे, अवसर दे हमारी बात को सुनने का। और जब सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या पर उतारू हो जाए, सांसदों के अधिकार पर अतिक्रमण करे, बोलने का अधिकार न दे, हम वोटिंग कर मांग करें तो वोटिंग करने का अधिकार न दे, और सदन जब आदर में न रहे, कोई भी विपक्ष का सदस्य सदन में ना रहे, तब भी माने कानून पास कर लेना, बना लेना, इससे बड़ा माने तानाशाही का प्रतीक क्या हो सकता है।